अच्छा, वीडियो एडिट करते वक्त मैंने अम्मी की वीडियोस में कुछ चीज़ें नोटिस करी जी, कुछ चीज़ें नोटिस करी, नोटिस कुछ ऐसी चीज़ें करी जो मतलब नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जाहिर है कि अगर मैं वैसे किसी को कुछ बता दूँ तो बंदा यकीन नहीं करता। जाहिर है कि कैमरे में इतनी पावर कहाँ है कि कैमरा हर चीज़ को यानी कि नोटिस करे और जो हमें नज़र नहीं आता वो चीज़ें कैमरे में आ जाए, वो ऐसा तो होता नहीं। लेकिन उसने कैप्चर क्या किया कि भाई हमारी अभी वीडियो बना रही थी तो कोई मखलूक का गुजर हुआ, वो मखलूक का गुजर हुआ। और फिर वो जब मैं वीडियो एडिट करने लगा ना तो मैंने देखा कि यार ये क्या चीज़ है। जब मैंने और उसको स्लो मो करके और ज़्यादा मैंने उसको थोड़ा सा डीप में जाके चेक करा तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो गड़बड़ है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके भाई की वापसी हो गई और वापसी कुछ इस अंदाज में हुई कि थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि आपको ये वाली वीडियो किस मौजू पे। हाँ भाई, आपके भाई के साथ मसला हो गया। मसला मसला कोई हल्का फुल्का नहीं हुआ, मसला कुछ ऐसा हुआ कि आपके भाई के घरों पर आ गए हैं जिन। हाँ, आपके भाई के घर पर आ गया है जिन, और जिन कुछ ऐसा आया कि आपके भाई ने जिनको देख लिया। हाँ, आपके भाई ने जिनको देख लिया। जिनको कैसे देखा कि भाई, जैसा आपको पता है कि आपका भाई यूट्यूबर है और वीडियोस वगैरह बनाना बड़े मतलब शौक रखता है, वीडियो बनाने का शौक रखता है। तो आपकी ये भाई की जो वालदा हैं वो भी वीडियोस वगैरह बनाती है, उनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल है। आपके भाई के साथ जो सीन हुआ कुछ ऐसा कि आपके भाई की अम्मी वीडियोस वगैरह बनाती हैं और वीडियोस बनाने के बाद वीडियो एडिट करने का और अपलोड करने का सारी जिम्मेदारी आपके भाई की ऑर्डर करके मुझे दे देती हैं कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, और सारी जिम्मेदारी बाकी मेरी हो। अम्मी ने हसबैंड मामूल वीडियो बनाया अपना और वीडियो बना के मुझे देती है कि भाई वीडियो एडिट करने बैठा, और वीडियो एडिट करने बैठा तो आपके भाई ने वीडियो में कुछ चीज़ें देखी। जी हाँ, वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि मेरी अम्मी जब वीडियो बना रही थी तो मेरी अम्मी के पीछे से कोई मखलूक का गुजर हुआ। तो जो कि यानी कि नॉर्मल आम हालत में तो बंदा नहीं देख पाता, लेकिन कैमरे की आँख कभी कभार ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेती हैं। जी हाँ, मेरे पास जो कैमरा उसने भी ये वाली चीज़ नोटिस कर ली और इस चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में कैप्चर कर लिया। हाँ, अभी तो आपको यकीन नहीं आएगा, यकीन ना आपको अभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन आ गया जब मैंने देखा। और आप भी इसी वीडियो में आगे जाके देख, वालदा की जो वीडियो के सीन था वो मैंने लगाया उसमें आप देखेंगे, और यकीन आपको भी यकीन आ जाएगा। भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्लाह पाक ने दुनिया में हर मखलूक को उतारा हुआ है, हर मखलूक अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं। हम भी हैं यहाँ पे, जिन भी हैं, जिन्नात भी, हर कोई यानी कि इस दुनिया में रह रहा है। पहले वीडियो जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये क्या, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। फिर मैंने अम्मी को बुलाया, मैंने कहा अम्मी ये देखें। अब अम्मी को मैंने बता दिया तो अम्मी के साथ साथ पूरा घर वाले डर गए। अब आपके भाई ने क्या करा, सबसे पहले जो अहम काम था, आपके भाई ने वजू करके पूरे कमरे में, हर कोने में, हर स्टोर में, हर जगह आयतल कुर्सी पड़ी। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पड़ने के बाद क्लैपिंग करी और हिसार बांधा। ये एक मैंने सुना है, ये एक अच्छा अमल है कि यानी कि हिसार बांधने तो फिर कोई भी यानी कि अल्लाह वाला जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, क्योंकि आयतल कुर्सी में बड़ी ताकत है, अल्लाह पाक बड़ी ताकत होती है। तो फिर ये करने के बाद जब आपका भाई वीडियो एडिट करने के लिए बैठा तो फिर आपका भाई सोच में लग गया। सोचना तो पड़ता है भाई, सोचना तो पड़ता है, सोचना कुछ ऐसा पड़ता है, कड़ियाँ से कड़ियाँ खुद ही जुड़ने लगी। हाँ भाई, कुछ ऐसी जुड़ने लगी कि मेरे घर पर आप सबको पता है कि 2 बिल्लियाँ हैं, मेरे घर पर 2 बिल्लियाँ हैं, और वो बिल्लियों का रात के 3-3, 4-4 बजे रोना, किचन में जाके, स्टोर के पास जाके, स्टोर को देखते हुए बिल्लियों का रोना, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था उस वक्त कि क्या मतलब क्या। अब मुझे समझ में आया, क्योंकि अब कड़ी से कड़ी जो जुड़ने लग गई, भाई कि बिल्लियाँ ऐसे ही नहीं रोती, इनको कुछ ना कुछ नज़र आता है तो ये रोती हैं। मैं लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इंजेक्शन इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर ने बोला आप नहीं रोएंगे। उस वक्त तो मेरा जहन मान नहीं गया, लेकिन अब मेरी यानी कि सोच आ रही है कि बिल्ली ऐसे नहीं रोती, बिल्ली को कुछ नज़र आया तो रोए। फिर मेरे दोस्त राशिद भाई, आप सभी जानते हैं राशिद, फैमिली फ्रेंड है ना, फैमिली फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड भी। तो एक दफ़ा राशिद भाई मेरे घर पर क्याम करा, उन्होंने रुका, और उसके अगले दिन जब वो चले गए तो मुझे बोलने, यार आपका घर बड़ा भारी। मैंने कहा मेरा घर भारी है? अच्छा, उस वक्त भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब जो कड़ी से कड़ी जुड़ने लग गई तो फिर मुझे समझ में आया राशिद ने कोई चीज़ महसूस करी जब भी उसने कहा कि आपका घर भारी। तीसरा ये कि जब आपका भाई अपनी वालदा की हसबे मामूल में जब वीडियो अपलोड करने के लिए बैठा तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, बार बार मोबाइल वाईफाई डिसकनेक्ट कर रहा था, तो ये भी एक कड़ी से कड़ी जुड़ने लग गई। जो कि मेरे दूसरे मोबाइल यानी कि वाईफाई से कनेक्ट है वो उसमें सही प्रॉपरली वाईफाई चल रहा है, एक्टिव चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन ये वाले इस मोबाइल से जब मैं वीडियो पोस्ट करने लगा तो वो यानी कि वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने कहा यार ये क्या। तो अभी भी एक कड़ी और जुड़ गई कि ये डिस्कनेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं ये वाली वीडियो बनाने के लिए अपनी आने के घर पर आया, क्योंकि ये वाली वीडियो में भी मुझे तो एक कॉन्टेंट मिल गया ना, मुझे तो ये आप लोगों को बताना था कि भाई रियल जो गॉस्ट होते हैं वो होते हैं असल में। कभी कभार ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारे मोबाइल के कैमरे या हमारे सीसीटीवी के कैमरे कैप्चर कर लेते। तो बहरहाल आप ये वाली वीडियो देखना और आप बताना कि क्या ये सही है या गलत है, या हमारी हकीकत है या हमारी आंखों का धोखा है। तो बस यही था वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें।
क्योंकि ये रियल हकीकत आपके भाई के अपने घर पर आ गई है। अब आ तो गई, ये जाएगी कैसे भाई? मैं कहता हूँ हमें कोई तकलीफ नहीं है आपसे, आप रहती हो, आप रहो, बस हमें मिलियन तक पहुँचा दो, यही हमारा यानी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कामयाबी से रवा दो। अच्छा खैर, बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो ज़रूर देखें, ये जो वीडियो मैं चला रहा हूँ ना। इस बारे में बताएं आपका क्या ख्याल है, इंशाल्लाह ऐसे अपने मन के साथ जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।